जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता। आज के इस वीडियो में हम लोग महाजनपद काल का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग उसके समाज, अर्थव्यवस्था और धार्मिक विकास के बारे में जानेंगे। मैं आपको ये बता दूं, ये सेमेस्टर 1 CC1 पेपर का है और ये सब मैप भी आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इसका लिखित विवरण आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग महाजनपद काल का जो सामाजिक स्थिति क्या थी उसको पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं। तो इस समय का जो समाज था, एक आदर्श समाज कहा जा सकता है। इस काल के समाज की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी, जिसको मैं पॉइंट्स के हिसाब से लिखी हूं। तो पहला ये था कि विधवा विवाह की सम्मति प्राप्त थी और विधवा को अपने पति की संपत्ति में भी अधिकार प्राप्त था। इसका मतलब ये है कि स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी महाजनपद काल में। अनुलोम विवाह प्रथा, जिसमें स्त्री निम्न कुल से और पुरुष उच्च कुल से हो क्यों बुरा नहीं माना जाता था। मतलब कि अगर विवाह अगर स्त्री का उच्च कुल से या निम्न कुल से होती है या फिर कोई भी स्थिति रहती थी, तो स्त्रियों की स्थिति इतनी अच्छी थी कि वो अपने हिसाब से भी विवाह कर सकती थी। प्रेम विवाह और गंधर्व विवाह को सामाजिक मान्यता मिली थी, यानी कि महाजनपद काल की जो स्थिति थी वो स्त्रियों के हिसाब से काफी उत्तम थी। पुरुष द्वारा एक से अधिक विवाह को बुरा नहीं माना जाता था। कार्यों के आधार पर जाति प्रथा का आरंभ हो गया था। साथ ही साथ कृषि कार्यों में कार्य करने के लिए दास प्रथा का भी आरंभ हो गया था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महाजनपदकालीन समाज कुछ अर्थों में स्त्री को महत्व देने वाला एक आदर्श समाज माना जा सकता है। अगर महाजनपद काल की सामाजिक स्थिति के बारे में आपको बतानी हो तो ये पॉइंट्स इतनी हैं कि आप उसे आराम से अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मातृत्व प्रधान था और वहां पर स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी और स्त्रियों को हर तरीके का प्रोत्साहन मिलता था। महाजनपद काल की शासकीय व्यवस्था क्या थी? तो सभी 16 महाजनपदों में राजतंत्र और लोकतंत्र की शासन प्रणाली थी। इनमें से कौशल, अवंती, मगध और वत्स में राजतंत्र की शक्तिशाली व्यवस्था थी। शेष महाजनपद में लोकतंत्र के आधार पर राज्य प्रमुख का निर्वाचन होता था। महाजनपदों की शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार रही, जैसे कि कुछ जनपद लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई महासभा के द्वारा शासित होते रहे। दूसरा था इसकी राजतंत्रीय विधि के अनुसार भी कुछ जनपदों में शासन राज्य प्रमुख के द्वारा भी होता था। जनपदों के निर्माण के साथ ही नगरीकरण व्यवस्था का आरंभ हो गया था। समाज में कार्यों के आधार पर विभाजन होने के कारण वर्ण व्यवस्था लागू हो गई थी। साथ ही साथ राज्यों की आय के लिए कर निर्धारण व्यवस्था का भी विधान शुरू हो गया था। राजा व प्रजा ब्राह्मणों द्वारा उचित, यानी कि ब्राह्मणों द्वारा रचित धर्म ग्रंथों में बनाए गए नियमों के अनुसार चलते थे। सातवां, जनपद के शासक अपने अधीन व्यापारियों, किसानों और शिल्पकारों से कर के साथ ही भेंट और उपहार भी स्वीकार किए करते थे। लगभग हर जनपद का शासक अपने पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध करके अपनी सीमा व संपत्ति का विस्तार किया करते थे। जनपदों में गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी और उसके ऊपर खटिक और द्रोण मुख आते थे। स्थायी सेना की नियुक्ति के माध्यम से राजतंत्र को मजबूत किया गया था। सेना का काम न केवल युद्धों में भाग लेना था बल्कि जनपद पर नियम व कानून की व्यवस्था देखना भी था। अब चलिए हम लोग ये जानते हैं कि महाजनपद की अर्थव्यवस्था और व्यापार कैसी थी। तो ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार उत्तर वैदिक काल में समाज में लौह धातु का प्रयोग बड़े रूप में किया जाने लगा था। इस नवीन ज्ञान के कारण जनमानस की जीवन शैली में अमूल परिवर्तन हो गया था। इस समय समाज में लोगों की जीवन यापन करने के लिए कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य आदि का विकास हो गया था। इस कारण समाज में पुरातन जनजाति व्यवस्था में छेद हो गया था और उसके स्थान पर छोटे छोटे समूहों की जगह बड़े जनपदों का निर्माण होने लगा। यही जनपद ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के शुरू होने तक महाजनपदों के रूप में सुदृढ़ हो गए थे।
नौ तकनीक के विकास ने बड़े बड़े जलयान का निर्माण शुरू कर दिया और इसके साथ ही विदेशी व्यापार भी शुरू हो गए थे। इस समय लोग अपनी सीमाओं का जल माध्यम से पार करके मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कोरिया आदि देशों तक पहुंच गए थे। परिणाम स्वरूप व्यापार के साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान भी शुरू हो गया था। इस प्रकार महाजनपदकालीन अर्थव्यवस्था में द्वितीय नगरीकरण के विकास पर बल दिया जाने लगा और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार रही, जैसे कि समाज में लौह धातु का व्यापक प्रयोग शुरू हो गया था, कृषि क्षेत्र में फसल उगाने के लिए अन्य व विस्तृत क्षेत्र खोजे जाने लगे थे, साथ ही साथ नए नए नगरों का जन्म एवं विकास होने के कारण देसी विदेशी व्यापार का क्षेत्र बढ़ने लगा। समाज का वर्गीकरण होने के कारण शिल्प कला का विकास हुआ और इसके परिणाम स्वरूप यह एक नए उद्योग के रूप में विकसित होने लगा। करों को शासन का अनिवार्य हिस्सा बनाकर उसे राज्य की आय का मुख्य स्रोत बना दिया गया। दैनिक और व्यापारिक लेन देन के साथ ही वेतन के भुगतान के लिए सिक्कों का चलन शुरू हो गया था। इस समय के सिक्कों को निष्क, स्वर्ण, पाद, माशक, काकिनी आदि नाम से जाना जाने लगा था। सिक्कों के लिए तांबे और विभिन्न धातु का प्रयोग होने दिया जा रहा था, यानी विभिन्न धातुओं का प्रयोग हो रहा था। साथ ही साथ महाजनपद काल की अर्थव्यवस्था में कृषि कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए खाद और सिंचाई का भरपूर प्रयोग किया जाने लगा। इस समय व्यापारिक फसलें जैसे कपास, गन्ना, ज्वार के साथ अन्य जैसे धान, जौ, दलहन आदि का भी उत्पादन शुरू हो गया था। कृषि कार्यों के अलावा पशुपालन को भी अब और अधिक व्यवस्थित रूप से किया जाने लगा था। गाँव में कृषि के अलावा रस्ती, टोकरी और चटाई बनाने के काम से भी आय अर्जन का प्रयास शुरू हो गया था। कृषि उपकरणों को विकसित करने का प्रयास किया जाने लगा था। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि महाजनपद काल की धार्मिक विकास कैसे हुई थी। तो महाजनपद काल में बौद्ध एवं जैन धर्म का विकास शुरू हो गया था और इसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण और पुरोहितवाद कमजोर हो गए थे। दरअसल 16 में से 8 जनपद कुरु, जिसमें मेरठ, पांचाल, बरेली, शुरसेन जो मथुरा में है, वत्स, इलाहाबाद, कौशल, अवध, मल, देवरिया, काशी, वाराणसी और चेदी जो बुंदेलखंड में स्थित है, वर्तमान उत्तर प्रदेश भी बोला जा सकता है, इन सभी जनपदों में ब्राह्मण संप्रदाय का बोलबाला था। ये सभी जनपद भाग्य को सर्वोपरि मानते थे और इनके विशेष संरक्षण बिंबिसार और अशोक महान की ओर से मिला था। संक्षेप में अगर हम लोग जाएं तो ये कह सकते हैं कि ईसा पूर्व 6 शताब्दी में कबीला पद्धति के बिखराव के साथ ही वर्ण आधारित समाज का जन्म हो गया था। यह समय द्वितीय नगरीकरण का था, जब जटिल सामाजिक व्यवस्था का विस्तार हो गया था और शासन के लिए प्रमुख रूप से राजतंत्र और कुछ क्षेत्रों में गणतंत्र भी था। राज्य की आयु का मतलब राज्य का जो आय था उसका प्रमुख साधन कर थे, यानी टैक्स ली जाती थी और इसका उपयोग सैन्य बल के विकास और रखरखाव के लिए मुख्य रूप से किया जाने लगा था। देसी और विदेशी व्यापार का भी समुचित विस्तार होने लगा था।